क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। किसी भी महिला के ऊपर ऐसा किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए, भले सोशल मीडिया क्यों ना हो। ये कोई ग्रामर मिस्टेक वाले ने नहीं किया है, फुल प्लान है एक महिला को गाली कैसे दिया जाए, तो मुझे भी धमकी दिया जाए। ऐसा कोई भी उठ के आए और ये सब ऐसा बोले, गलत है ना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में कहीं ना कहीं जो है अब एक नया मामला सामने आया है, जो बीजेपी की रिदा रशीद है उनको लेकर सामने आया है कि उनके फेसबुक पर जो है किसी ने उन्हें अश्लील शब्द जो है पोस्ट किए और खास तौर पे उन्हें धमकी दी है, और धमकी भी इस तरह की दी है, उन्हें जो है मारने की धमकी दी है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने की धमकी दी है, और भी कई सारे उन्होंने धमकी दी है। बहरहाल मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेन जो है नाजिया तंबोली ने जो है दर्ज कराई है, और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उन्हें से बात करते हैं कि फेसबुक जो पोस्ट है उस पर लेकर जिस तरह की धमकियाँ रिदा रशीद को दी गई है, आप लोग यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे तो क्या मामला दर्ज हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिया तंबोली। एक्चुअली जो हमारे मैडम है रिदा रशीद, उनके फेसबुक पे ये जो कमेंट्स पास कर रहे थे जुबैर सखानी, उन्होंने वो एकदम से गलत कमेंट पास कर रहे थे। और ये हमारी सरकार में ऐसा क्यों, मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, गलत गलत कमेंट्स पास करना, जिसकी मतलब अशब्द एकदम लैंग्वेज जो है पूरी सही नहीं है, जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। और एक महिला के खिलाफ ऐसा कोई भी उठ के आए और ये सब ऐसा बोले, गलत है ना। धमकी, मारने की धमकी, फिर उसमें रेप के ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने, मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन्होंने जो डाले हैं, इतने अपशब्द इसमें डाले हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। और किसी भी महिला के ऊपर ऐसा किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए, भले सोशल मीडिया क्यों ना हो। तो इसके लिए हमारी सरकार कब तक मतलब चुप बैठेंगी, इसके अगेंस्ट में कुछ तो बोलना चाहिए ना, इसमें एक्शन होनी चाहिए। तभी आप कंप्लेन यहाँ पर दर्ज कराए, एफआईआर ली गई। हाँ, हमारी एफआईआर लिए है, ये एफआईआर की कॉपी है जो मैंने एफआईआर करी है। रीता मैडम, आपको जिस तरह से फेसबुक पर धमकी दी गई, जैसे कि नाजिया तंबोली, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, तो फेसबुक पर कहीं ना कहीं जो जिसने धमकी दी है उसने गुलाब पार्क मार्केट का लेकर जिक्र किया है उसमें, और उसमें आपके ऊपर तमाम जो है ऐसे आप शब्द भी कहे हैं, बलात्कार जैसे घटना को भी अंजाम देने की बात की है, मारने पीटने की बात की है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में किसका हाथ हो सकता है, आखिर कौन? देखो, पहली बात तो हम आज के डेट में महाराष्ट्र में देख रहे हैं महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितनी महिलाओं की घटना हो रहे हैं, यहाँ पर कोई आके बाहर कोई किसी के लिए बोल नहीं रहा है। और रहा मेरी बात, तो आपको लोगों को पता ही है, यहाँ की मीडिया को सभी को पता है, अगर गुमराह कलवा का विषय आया है तो मैंने हमेशा मदद ही पहुँचाई है, गुलाब पार्क के मार्केट के लिए भी मैंने मदद पहुँचाई हूँ। तो ये कौन है, क्या है, ये क्या बोलना चाहता है, और इस तरीके से जो महिलाओं के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है, तो उनका भी ध्यान जाएगा, वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि होता है ना कि महाराष्ट्र में हो रहा है तो उनके तक बात नहीं आई होगी, लेकिन आज उनके ही विधानसभा में हुआ है तो उनका भी ध्यान जाएगा। और ये आज के डेट में बहुत आसान हो गया है इस सरकार के लिए कि महिलाओं पर टिप्पणी करो, या जिस तरीके से जो बातें चल रही है, जो बच्चियों के साथ रेप चल रहा है, जो बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए बातें चल रही है, उसमें कोई चीज़ हो नहीं रही है। लेकिन मैं इससे बोलूंगी, ये जो हुआ है मेरे, अच्छा, कौन सी आईडी है, वो क्या नाम की आईडी है जिसने आपको इस तरह की धमकी दी है? जुबैर सखानी, ये कोई गुलाब के पास ही रहता है, उसमें सब मैंशन है, वो मैसेज में जो डाला है उसने पूरा चीज़ें डाली है, माँ, बहन, बीजेपी, बहुत सारी चीज़ें उसने बोली है, जो मैं तो देख के ही, मैंने तो स्क्रीनशॉट मारने से पहले ही मुझे लग रहा था कि मैं डिलीट करूं, क्योंकि इतनी बड़ी बात लग रही थी, इतनी बड़ी बेइज्जती सरकार में हो रही है महिलाओं का, क्या हम तो इनसे तो कोई उम्मीद रखते नहीं है, लेकिन ये भाई लोग क्यों कर रहे हैं और किसने करवाया है, क्योंकि उसमें खुला है, ये कोई ग्रामर मिस्टेक वाले ने नहीं किया है, ये कोई आसानी किसी ने फेक आईडी बना के किया नहीं, ऑल प्लान वाला है, वो पुलिस को भी समझा है, आगे उस पर काम करेगी पुलिस भी, लेकिन फुल प्लान है ये। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं
आप एक महिला पदाधिकारी हैं बीजेपी की, और आपको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम सामान्य एक नारी है उसके साथ कैसा बर्ताव होता होगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बोला ना, आम नारी की तो बातें जो चल रही है, जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कोविड सेंटर में जो हुआ है, ये सब हम देख ही रहे। तो ये रिदा रशीद के साथ भी ये काम कर रही हूँ मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ जल्दी, मैं मेरे काम से काम रखती हूँ। लेकिन पता नहीं इनको क्या डर है या इनको क्या लगता है या मुझे भी धमकी दिया जाए, ऐसे पहले भी बहुत थोड़ी चीज़ें हुई है। लेकिन हमें लगता है ना कि हम जब काम करने घर से निकली है महिला, तो हम हमारे काम से काम रखते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से उतरेंगे, इस तरीके से बातें होंगी, तो हमें भी पुलिस स्टेशन पहुँचना आता है। तो अभी आप ये जुबेर चखानी जो फेसबुक से आपको टिप्पणी की है, जो भी कहा है, तो इसके खिलाफ आप जब यहाँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेन किए या इससे आगे भी आप जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल साइबर तक के जाएंगे। साइबर में भी पुलिस ने भी भेजा है, हम भी जाएंगे, और जितनी भी आगे जब तक ये मिलता नहीं है और ऐसे महिलाओं को पे जो टिप्पणी करने वाले मिलते नहीं हैं, तब तक तो मुझे नहीं लगता इनका पीछा छोड़ना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं भी नहीं छोड़ूंगी इनका। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शक है ऐसा कुछ? क्योंकि गुलाब पार्क मार्केट से जुड़ा हुआ मामला जिस तरह से पोस्ट है वो, तो इस पे आपको किसी के ऊपर शक हो रहा है? नहीं देखो, अब ये कार्रवाई का बात है, लेकिन ये गुलाब पार्क का बात आता है तो मुझे लगता है मैंने उसमें अच्छा ही काम किया है। मुमरा के लिए जब से आई हूँ अच्छा ही काम किया है, लेकिन वो धमकी गाली के बीच में एक मुझे डाला हुआ है उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत किया है या कभी किसी को कुछ बोला है, लेकिन ये विषय घुमाने के लिए किया है, और वो प्लान्ड है, फुल प्लान है। एक महिला को गाली कैसे दिया जाए और किसी के जरिए किस तरीके से गाली दिया जाए, एक प्लान है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो बीजेपी के उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की रिजा रसीद है, उनको जो है किसी ने जो है फेसबुक पर जो है मारने की धमकी दी है, बलात्कार करने की धमकी दी है, इसको लेकर बहरहाल कहीं ना कहीं जो है अब बीजेपी जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज रिजा रसीद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है पहुंची, और जो जिसने पोस्ट किया था इनके खिलाफ उसके लिए जो है यहाँ पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है, और आगे भी ये कार्रवाई करेंगी। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, थोड़ा टाइम्स मुंब्रा।